Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. डीडब्ल्यू के शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। जदीद मोटरवेज और बेहतरीन सड़कों के बावजूद जर्मनी में हर साल सैकड़ों अफराद हादसात के बाइस अपनी जानें खो बैठते हैं। जर्मन हुकूमत अब ऐसे इकदामात उठा रही है जिनसे ट्रैफिक हादसात से बचा जा सके। तफसीलात शामिल करेंगे आज के शो में। सवाल में आज, जर्मनी में एक नए निजाम से ट्रैफिक हादसात रोकने की कोशिश, माहौलियाती तब्दीलियां मुतासर कर रही हैं समंदरी हयात को, और सैर कराएंगे आपको यूरोपीय शहर बुडापेस्ट की। आदादो शुमार बताते हैं कि इस साल अप्रैल तक जर्मनी की सड़कों पर होने वाले हादसात में 867 अफराद हलाक हुए। इनमें अक्सर हादसात की वजह तेज रफ्तारी और लापरवाही बनी। ड्राइविंग को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक कैमरे नस्ब किए गए, लेकिन ये कैमरे भी हादसात की वजह बन रहे हैं। हुकाम ने अब इस सिलसिले में रेंज रेडार का तजुर्बा करने का फैसला किया है। अक्सर ड्राइवरों की निगाह इन पर देर से पड़ती है। पहले कैमरा तस्वीर खींचता है, फिर जुर्माने का खता जाता है। ये कैमरे अक्सर ड्राइवरों के लिए शदीद गुस्से की वजह बनते हैं। वीराने में कैमरे नस्ब करना सिर्फ पैसे बनाना है। ज्यादातर कैमरे रकम बटोरने के लिए लगाए गए हैं। पैसा बनाने की मशीनें। कैमरों का असल मकसद तेज रफ्तार ड्राइविंग रोकना है और ऐसे ड्राइवरों को कुछ खौफजदा करना भी। ट्रैफिक उमूर के माहिर थॉमस बुखाइट एक और मसले की निशानदेही कर रहे हैं। कई ड्राइवर कैमरा देखते ही जोरदार ब्रेक लगाते हैं, इस तरह ये खुद को खतरे में डालने के साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरे की वजह बनते हैं। इसका नतीजा अक्सर हादसे की सूरत में निकलता है। इसके अलावा रश की सूरत में फौरी तौर पर ट्रैफिक भी जाम हो जाती है। हैनोवर शहर की एक शाहराह पर इसी वजह से एक नए रडार सिस्टम का तजुर्बा किया गया। इसे रेंज रडार का नाम दिया गया है। कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं जो जल्द ही काम करना शुरू कर देंगे। इस सड़क पर 2011 और 2014 के दरमियान 32 हादसात हुए, जिनमें 3 अफराद हलाक और 4 शदीद जख्मी हुए। इन हादसात में 7 अफराद को मामूली जख्म भी आए। इस रेंज रडार को सेक्शन कंट्रोल भी कहा जाता है। ये निजाम ट्रैफिक को ज्यादा महफूज बना देगा। ये निजाम तकरीबन 2.2 किलोमीटर तवील रास्ते की निगरानी करेगा। ये किस तरह से काम करेगा? इस सिस्टम की हदूद में दाखिल होने वाली हर गाड़ी के पीछे से तस्वीर बनाई जाएगी। नंबर प्लेट के जरिए गाड़ी की शनाख्त की जाएगी, साथ ही दीगर तफसीलात भी वाजे हो जाएंगी, यानी गाड़ी का मॉडल और इसका मालिक वगैरह। ये तमाम तफसीलात आर्जी तौर पर महफूज कर ली जाएंगी। फिर जैसे ही गाड़ी इस रेंज रडार से बाहर निकलेगी तो इसकी औसत रफ्तार का इल्म हो जाएगा। अगर रफ्तार ज्यादा होगी तो फिर सामने से भी चलती गाड़ी की तस्वीर उतारी जाएगी। ये तफसीलात फिर मुतालिका महकमे को भेज दी जाएंगी। इसके बाद जुर्माना तय किया जाएगा। ये रेंज रडार ड्राइवरों को मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाने पर मजबूर कर देगा। नाकदीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर इस तरह तमाम गाड़ियों की तफसीलात जमा की जाएंगी और सभी ड्राइवरों पर शुबा किया जाएगा, क्या मुकम्मल निगरानी के जरिए मतलूबा नतायज हासिल हो सकेंगे? अगर औसत रफ्तार ज्यादा ना हुई तो गाड़ी के हवाले से तमाम मालूमात फौरी तौर पर जाया कर दी जाएंगी। जर्मनी की ऑटोमोबाइल तंजीम ADAC ने इस रेंज रडार के हवाले से तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। क्रिस्टीन रेटिंग इस रडार की तंसीब को अच्छा फैसला नहीं समझती। बहरहाल पहले ये साबित करना होगा कि इस दौरान जमा करदा कवायद को किस हद तक महफूज रखा जाएगा। इसके अलावा गाड़ियों की तफसीलात को जाया करने का अमल भी क्या इतना ही काबिल एतमाद होगा जैसा कि सोचा गया है? जब एक मर्तबा डेटा जमा हो जाएगा तो उसे दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जर्मनी के कुछ पड़ोसी ममालिक में रेंज रडार सिस्टम कामयाबी से काम कर रहा है। ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड,
इटली, बर्तानिया और हॉलैंड की जिन चाराओं पर यह निज़ाम नस्ब है, वहाँ हादसात की शरह में काफ़ी कमी हुई है। जर्मनी और पोलैंड भी ये निज़ाम चाहते हैं, मगर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर दूसरे ममालिक की कामयाबियों की बात की जाए तो ये भी बताया जाए कि अगर वहाँ आम ट्रैफिक कैमरे नस्ब किए जाते तो नतायज कैसे रहे। आम कैमरों की तनसीब कतरे कम कीमत होती है और इनके जरिए भी कामयाबी हासिल हो सकती है। अगर ये मंसूबा शिमाली जर्मनी में कामयाब रहा तो लाजमी तौर पर मुल्क के दीगर हिस्से भी इससे फायदा उठाना चाहेंगे। डोनाउ यूरोप का दूसरा सबसे लंबा दरिया है जो 10 यूरोपीय ममालिक से गुजरता है। इनमें से एक हंगरी भी है जिसके दारुल हुकूमत बुडापेस्ट की तारीख दरियाए डोनाउ के दोनों किनारों पर आबाद तारीखी बस्तियों ओबुदा, बुदा और पेस्ट से जुड़ी है। इन्हीं बस्तियों से इस शहर का जन्म हुआ था। डोनाउ का सफर लेकिन जरा मुख्तलिफ अंदाज में। सैयाह कश्ती के बजाय तैरती हुई बस में बुडापेस्ट की सैर करते हैं। सिटी सेंटर को चलिए खुश्क पैरों के साथ। पानी और खुश्की दोनों में चलने वाली इस बस का सफर इब्तिदा में शहर के आम टूर की तरह ही लगता है, लेकिन ट्रैवल गाइड रेजीना बोर्डर जानती हैं कि सैयाह इस बस का इंतखाब क्यों करते हैं। ये एक मुनफरिद टूर है, हम पानी और खुश्की दोनों की सैर करेंगे। दरिया से बुडापेस्ट का नज़ारा एक अनोखा समा पेश करता है। दरियाए डोनाओ के गिरदोपेश के मनाजिर यूनेस्को के सकाफती विरसे में शामिल हैं। बस का सफ़र पुराने शहर के अहम काबिल दीद मकामात से शुरू होता है, जैसे कि सेंट स्टेफान बाजेली का चर्च, जिसके करीब ही बादशाहों और मुकद्दस हस्तियों के अलावा फुटबॉल के मायानास खिलाड़ी फेरनेश पुस्कस दफन हैं। अब बस दरिया की तरफ रवाना है। तमाम मुसाफिर यकसा तैर सकेंगे इसका इन्हें यकीन नहीं। डोनाउ में आज लहरें चढ़ी हुई लगती हैं। मैं देखना चाहता हूं कि बस तैरती रहेगी या उलट जाएगी। टूर की सबसे खास बात, यादगार मौसीकी के साथ बस 70 मीटर लंबी चढ़ाई उबूर करके दरिया में उतरती है। ये बड़े आराम से चल रही है। बस का लुत्फ ये है कि ये वाकई तैरती है। जमीन पर यह 6 पहियों और एक मोटर वाली नॉर्मल बस की तरह चलती है। पानी में एक बड़ी कश्ती बन जाती है, लेकिन जरा धीमी रफ्तार वाली। सैयाहों की दिलचस्पी के यहाँ कई इम्कानात हैं, मसलन जजीरा मार्गरेट। ये जजीरा मकामी लोगों और सैयाहों में तफरी के लिए बहुत मकबूल है। ये जजीरा बादशाह बेला चाहरुम की बेटी शहजादी मार्गरेट के नाम पर है। बादशाह बेला ने एक जंग जीतने के बाद मार्गरेट को जजीरे पर कायम डोमिनिक खानकाह की मावनत के लिए भेजा, जहां प्रिंसेस मार्गरेट महज 28 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। डोनाउ के साहिल के अगले हिस्से में बोडा और पेस्ट के तारीखी मराकज कायम हैं। बोडा की तरफ हंगरी की सबसे बड़ी इमारत किला खड़ा है। पेस्ट की तरफ 268 मीटर लंबी पार्लियामेंट की इमारत इस्तादा है। लंदन के वेस्ट मिनिस्टर पैलेस की तर्ज पर बनी ये इमारत सन 1904 में मुकम्मल हुई थी। हब्सबुर्ग दौर का एक और इदारा, जब हंगरी और ऑस्ट्रिया में बहुत करीबी ताल्लुकात थे। कैफेज 19वीं सदी ईस्वी में शहर के तकरीबन हर कोने में एक कॉफ़ी हाउस मिलता था। ये मुलाकात की खास जगह होती थी। पुराने पेस्ट में काफ़ी हाउसेस की ये इमारत सन 1858 में कायम हुई थी और अब तक मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है DW उर्दू की सरबरा किश्वर मुस्तफ़ा। किश्वर, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि बुडापेस्ट को क्यों यूरोप के एक इंतहाई मुनफरिद शहर की हैसियत हासिल है। बीनिस, जैसा कि अभी हमने इस रिपोर्ट में भी देखा, एक तो ये शहर बहुत ही खूबसूरत है, यानी इलाकाई तौर पे भी और जुग्राफियाई तौर पे इसकी खूबसूरती इसका हुस्न बहुत ही ज़्यादा है। दूसरे ये कि इसकी बहुत दिलचस्प तारीख है। तो सबसे पहले तो ये कि जिस दरिया का आपने नाम लिया उसे जर्मन में
डोनाउ कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डैन्यूब कहते हैं। डैन्यूब पे वाकई ये शहर बहुत ही मुनफरिद इसलिए है कि एक्चुअली ये एक शहर नहीं है, ये तीन मुख्तलिफ शहर थे, तीन मुख्तलिफ इलाके थे जिनको मिलाकर ये शहर बना बुदापेस्ट के नाम से। वो कैसे बना वो भी आपको बताते चलें। दरअसल ये बहुत सारी सकाफतों क्या इम्तिजाज आपको इस शहर में नजर आएगा। 16वीं और 17वीं सदी में ये ऑटोमन्स के अंडर में था, यानी उस सल्तनत उस्मानिया के अमलदारी थी इसके ऊपर, तो वहाँ आपको टर्किश कलर भी नज़र आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बढ़ना शुरू हुई यूरोप में, तो उसमें हंगरी का एक बहुत अहम किरदार था और ये वहाँ का दारुल खिलाफा हुआ करता था, दारुल हुकूमत हुआ करता था हंगरी का ये शहर बुदापेस्ट। हुआ ये कि जब वहाँ पे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ख़त्म हुई, हंगरी एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, तो फिर ये हुआ कि बुदा अबोडा और पेस्ट तीनों को मिलाकर बुदापेस्ट बना दिया गया, जो बहुत ही मरकजी हैसियत हासिल थी जिसको यूरोप के अंदर। और फिर वहाँ पे सोवियत्स आए, उनसे पहले नाजियों ने कब्जा किया और फिर सोवियत्स ने आकर के 1991 तक वहाँ पे इसे अपने कब्जे में रखा। तो आपको इतनी सारी सकाफतों का वहाँ रंग नज़र आता है और उसकी वजह से वहाँ एक अनोखा इम्तिजाज है बहुत सी सकाफतों का। किशोर, आपने बहुत दिलचस्प इस शहर की हमें तारीख बताई है, बताइए इस शहर की आर्किटेक्चर भी बहुत यूनिक है, उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, ये देखिए कि कदीम जो गोटिक आर्किटेक्चर है उसके आपको अनोखे शाहकार नज़र आएंगे इस शहर में, और ख़ास तौर पे यहाँ के सिनागॉग्स बहुत मशहूर हैं। तो ये हम आपको बताते चलें कि यहाँ की तीन जो सबसे ज़्यादा अहम बातें हैं इस शहर की, वो ये कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिनागॉग, यानी पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा बड़े सिनागॉग्स हैं उसमें दूसरा नंबर बुदापेस्ट के एक सिनागॉग का है। इसके अलावा जो वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो एक वाकई शाहकार है, वो बस आप डैन्यूब के दूसरी तरफ से खड़े होकर उस पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बना के कोई चीज़ ज़मीन पर उतार दी गई हो। वो जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग है। और तीसरी बात यह कि वहाँ की जो मेट्रो लाइन है वो दुनिया की कदीम तरीन मेट्रो लाइंस में नंबर दो है। तो ये तो तीन बहुत अहम बातें हैं, इसीलिए इसकी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस भी दे रखा है। इसके अलावा इमेजिन करने वाली बात है कि बीच से दरिया गुजर रहा है और ये डिवाइडेड शहर, एक तरफ फेस्ट है दूसरी तरफ बूढ़ा है और अबोडा है। तो बूढ़ा और अबोडा का जो साइड जो है, जब आप ऊपर से उसका पैनोरामिक व्यू देखें तो वो नाकाबिले बयान है कि वो कितना खूबसूरत लगता है। अच्छा किश्वर, ये बताएं कि जो शहर है वहाँ के शहरों की लाइफ स्टाइल, वहाँ का कल्चर सकाफत, क्या इस मुल्क की जो तारीख है उसके भी गहरे असरात हमें नज़र आते हैं? यकीनन हर माशरे में ये होता है कि आपको तारीखी असरात नज़र आते हैं, लेकिन इसका ये तो एक स्पेशल केस है यूँ समझ लें, क्योंकि यहाँ पे इतने लोगों ने इतनी तरह के यहाँ पे हुक्मरान आए। जब ये सल्तनत उस्मानिया के तहत था, मातहत था, तो आप समझ सकती हैं वहाँ पे टर्किश इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। हाँ, एक बात का जिक्र और करते चलूँ, इस शहर में आपको बहुत कदीम जो हमाम का कॉन्सेप्ट था वो टर्किश लेकर आए थे, तो वो अभी तक उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। तो आपको टर्किश कलर नज़र आता है। उसके बाद आप जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में जर्मनों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था वो आपको आज भी दिखेगा, उनकी ज़बान उनकी सकाफत पर जर्मन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। फिर सोवियत्स आए तो वो भी अपने साथ अपनी सकाफत अपनी लैंग्वेज सभी कुछ लेकर आए, तो वहाँ के लोगों के मिजाज में भी आपको वो तमाम सकाफतें नज़र आएंगी, उनका सबका रंग नज़र आएगा। तो उससे मिलजुल करके जो वो कल्चर बना है वो बहुत यूनिक है, इसलिए आप देखेंगी कि इस दुनिया में वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में हंगरी का नाम बहुत ज़्यादा है। वहाँ के बैलेट्स, वहाँ के ओपराज, वहाँ की जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पे लाइव म्यूज़िक होती है रिवर डैन्यूब के ऊपर, रात के वक्त किश्ती से आप एक तरफ से दूसरी तरफ जाएं, वो बहुत ही हसीन, वाकई एक शाहकार है कुदरत का, और इतनी ज़्यादा उसमें हिस्ट्री पिन्हा है। तो एक शहर जिसे हम अब बुदापेस्ट के नाम से जानते हैं वो देखें आप, तो आपको यूरोप की पिछले कई सदियों की तारीख समझ आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया किश्वर, आपने इतनी इंटरेस्टिंग मालूमात हमें दी। माय प्लेजर। अब लेते हैं ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे माहौलियात से मुतालिक एक रिपोर्ट के बारे में और बताएंगे आपको कि किस तरह माहौलियाती तब्दीली मुतासर कर रही है समंदरी हयात को भी।
زمین پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات کا سامنا سمندروں کو بھی ہے سمندری حیات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ غیر تسلی بخش حالات میں اپنی تیز رفتار بحالی کی کوشش کرتی ہے لیکن سمندر بھی کتنا دباؤ برداشت کر سکتے ہیں سمندری حیات کے جرمن ماہرین اس بارے میں تحقیق میں مصروف ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے مستقبل میں عالمی سمندروں کو کتنا نقصان پہنچے گا جرمنی کے شمال میں ایک تحقیقی مشن ہیلم ہولٹس مرکز برائے سمندری تحقیق کے سائنسدان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلیاں زیر آب دنیا پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں گرین ہاؤس گیس کاربن ڈائی آکسائڈ تو سمندری حیات کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے پانی کے تجرباتی ٹینک سمندر میں چھوڑے جا رہے ہیں یہ واٹر ٹینک ایسے ہیں جیسے شیشے کے بہت بڑے بڑے گلاس ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ ملا کر سائنسدان یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے حالات میں سمندری جانور اور پودے خود میں کیا تبدیلیاں لاتے ہیں اس گیس کی وجہ سے پانی میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے سمندر میں زیادہ تیزابیت کے باعث ترشی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے بحیرہ بالٹک میں بھی ماہرین یہی تجربات کر رہے ہیں کہ مستقبل کے سمندر کیسے ہو سکتے ہیں یہ میرین بیالوجسٹ اس کھوج میں ہیں کہ مستقبل کے حالات سمندروں میں زندگی کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے ان ماہرین نے ایک تجرباتی کنٹینر میں درجہ حرارت اور پانی میں تیزابیت کی سطح میں اضافہ کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ سیپیوں کی نشو نما کی رفتار کم ہو گئی سمندری حیات میں تبدیلی کا اثر دنیا میں خوراک پر بھی پڑے گا میرین بایولوجسٹ مارٹن وال کے مطابق شکر ہے کہ سمندروں میں خود کو دوبارہ صحت مند بنانے کی اہلیت کافی زیادہ ہوتی ہے مجموعی طور پر سمندر بڑی آسانی سے خراب ہو سکتے ہیں اس عمل کو بہت متنوع آبی زندگی نے روک رکھا ہے جو اپنے استحکام کے لیے خود انحصاری سے کام لیتی ہے امید ہے کہ انواع اقسام کی آبی حیات طویل عرصے تک باقی رہے گی سمندری پودوں کو آبی تیزابیت سے کتنا نقصان پہنچتا ہے یہ بات اس سمندری گھاس کے تجزیے سے دیکھی جا سکتی ہے پانی میں تیزابیت زیادہ ہو تو پودوں میں مدافعتی مادوں کی پیداوار شدید متاثر ہوتی ہے یوں ان سمندری حشرات کے خلاف دفاع ممکن نہیں رہتا جو یہ گھاس کھا جاتے ہیں سمندری حیات انتہائی پیچیدہ ہے ماہرین کے لیے بہت ہی حیران کن جانوروں کے 20 سے زائد بڑے خاندان ایسے ہیں جو صرف سمندروں میں پائے جاتے ہیں ان میں سے ہر خاندان کے جانوروں کی 20 ذیلی قسمیں بھی ہیں ہر خاندان کا اپنی نشو نما اور ارتقاء کا مختلف اصولوں پر مبنی اپنا ہی ایک نظام ہے اسی لیے زیر آب حیاتیاتی تنوع اتنا زیادہ ہے کہ وہ زمین پر ممکن ہی نہیں ایک بڑے ماحولیاتی نظام کے طور پر سمندر خود کو بدلتے حالات کے مطابق ڈھال لینے کے اہل ہیں لیکن صرف ایک خاص حد تک اور انسان سمندری زندگی کو مسلسل متاثر کر رہا ہے ان تبدیلیوں پر مائکرو آرگنزم کہلانے والے انتہائی چھوٹے چھوٹے جرثوموں تک بھی اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں سائنسدانوں کی توجہ اس بات پر ہے کہ مختلف جاندار مسلسل بدلتے ہوئے حالات میں بھی اپنی افزائش نسل کیسے کرتے ہیں پانی کا درجہ حرارت جتنا زیادہ ہوگا اس میں بیکٹیریا بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے یوں باقی اہم جاندار دباؤ میں آ جاتے ہیں ماہرین کا مقصد پیش کی تنبیہ کا ایک نظام کا قیام ہے ایسے عوامل کا سائنسی تعین جو یہ بتا سکیں کہ کب کسی خاص قسم کے جانداروں کے ناپید ہو جانے کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے اگر انسان فضا میں اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے رہے جو بظاہر ہوتا رہے گا تو سمندروں میں تیزابیت بڑھتی جائے گی ہم صرف یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایسا بہت تیزی سے نہ ہو اور جانداروں کو ہم آہنگی کے لیے وقت مل سکے